हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ मेरठ शहर के सबसे प्राचीन मंदिर के बारे में, जिसे हम मनसा देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। ये करीबन 200 साल पुराना मंदिर है। जो आप मेरे सामने यह मंदिर देख चुके हो, यही वो माता मनसा देवी मंदिर है और यह मंदिर 200 साल पुराना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरे मंदिर के दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, यहाँ पर सबसे अच्छा आने का समय कौन सा समय है। आप नवरात्रों में भी आ सकते हैं, और उससे अलग आप आना चाहो तो आप यहाँ पर संडे के दिन आ सकते हो। संडे के दिन यहाँ पर मेला लगता है। और दोस्तों, इसका जो मुख्य रूट है आने का, ये मेरठ जो गढ़ हाईवे है, इससे ही और मेडिकल कॉलेज के जस्ट सामने से इसका रास्ता आता है। जैसे ही हम इस मंदिर के बारे में एक रहस्य पता चला है और हम उसको आपके साथ में साझा करना चाहते हैं। ये बोला जाता है कि जो यहाँ पे सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उनकी माता मनोकामनाएं पूरी करती है। तो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं माता रानी के दरबार में। बहुत ही प्यारा दरबार लगा हुआ है माता रानी का। ये जो सामने आप देख रहे हैं, यही माता मनसा देवी मंदिर है, और यही 200 साल पुरानी जो प्रतिमा लगी हुई है। और ये जो आप सामने ज्योति देख रहे हैं, ये बताया जाता कि 12 के 12 महीने ये ज्योति ऐसे ही जलती रहती है। तो दोस्तों, आप ही सभी एक बार मेरठ मनसा देवी मंदिर में घूमने के लिए आए, और यहाँ आपका तो दोस्तों अब हमारे दर्शन हो चुके हैं। भैया ने बोल दिया कि कैमरा चलाना अलाउड नहीं है मंदिर में। तो दोस्तों, ये माता मनसा देवी के पूरी परिक्रमा इधर बोर्ड पर लिखी हुई है। तो चलिए दोस्तों, और हम आप लोगों को अनेक छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पर, बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं। तो दोस्तों, तो चलिए अब मैं आप लोगों को और घुमाता हूँ माता मनसा देवी मंदिर पर। तो चलिए दोस्तों, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, पता नहीं कैमरे में दिख पा रहा नहीं दिख पा रहा है, जो ये दीवार पर आपने देखा होगा काले काले इसके से कुछ लिखा हुआ है। जिन लोगों की यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, उन लोगों ने उसी के बारे में लिखा हुआ है। अभी मैंने पढ़ा तो पीछे लिखा हुआ था कि मेरे भाई का सिलेक्शन GED में हो चुका है। माता रानी हम पर ऐसे ही आशीर्वाद अपना बनाए रखें। जैसे ही आप मनसा देवी माता के दर्शन कर मंदिर से बाहर आते हो, और आप लोगों को सामने नज़र आया होगा माता शीतला माता का मंदिर है। तो दोस्तों, उसी के ही बराबर में बच्चों के झूलने के लिए छोटे छोटे झूले लगाए हैं, जो कि झूलों का चार्ज 20 रुपये होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आप लोगों को और छोटे छोटे अनेक मंदिर में घुमाते हैं, जैसे कि सामने देखने से। जैसे ही हम आगे की तरफ चले, तो हमें सबसे पहले माता मनसा देवी के बाद में माता शेरावाली का हमें दर्शन करें। तो दोस्तों देखिए, ये माता शेरावाली के मंदिर है, और यहाँ पर बहुत ही अनेक छोटे छोटे मंदिर हैं। ये जो आप मंदिर देख रहे हो, इस मंदिर में हर एक भगवान की प्रतिमा रखी हुई है। अब हम इसका पूरा एक राउंड लगाएंगे। और जैसे दोस्तों देखे, इधर सरस्वती माता है, माता शेरावाली हैं, और मनसा देवी मंदिर आकर यहाँ एक अलग ही मन को शांति प्राप्त होती है। तो दोस्तों देखिए, ये जो मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, ये माता काली का बहुत ही प्यारा सुंदर सा मंदिर है। ये बाबा गोरखनाथ और बराबर में ही बाबा झारवीर का मंदिर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं बड़े मंदिर की तरफ। अब हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं श्री बालाजी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर जो आप ये मधुमक्खियाँ देख रहे हैं, ये ऐसी उड़ती रहती हैं। आज तक का यहाँ का रिकॉर्ड है, आज तक किसी भी मधुमक्खी ने किसी भी भक्त को काटा नहीं है। जैसे ही हमने बालाजी महाराज के दर्शन किए, और उसी के बराबर में हमें दिखा भोले बाबा का मंदिर। बहुत ही प्यारा
दरबार लगा हुआ था भोले बाबा के मंदिर पर। तो दोस्तों यही वो 200 साल पुराना यही वो मंदिर है। तो दोस्तों इसकी खूबसूरती देखिए कितनी अच्छी है। आप माता वैस मनसा देवी आएंगे तो आप लोग यहाँ पर हर एक पूरे में अच्छे से घूम के आएँ। और भक्तों से मैं विनती करना चाहूँगा, मनसा देवी मेरठ मंदिर घूमना चाहते हो तो आप लोग संडे के दिन आएँ, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रौनक रहती है संडे के दिन में और मेला भी लगता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहूँगा, जो आप मेरे सामने मेला देख रहे हैं इस मेले में बहुत ही महंगा सामान मिलता है, जो माता मनसा देवी के मंदिर के जस्ट सामने मेला लगा हुआ है। और आपसे जितना हो सके मंदिर के बाहर जो दुकानें लगी हुई होती हैं आप वहाँ से सामान ले, आप लोगों को अच्छे रेट पर मिलेगा और मंदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों थोड़ी सी अब हम यहाँ पर ख़रीदारी कर लेते हैं और रेट में आपके साथ मैंने साझा कर दिया। तो दोस्तों अब मेरे माता रानी के बहुत अच्छे दर्शन हुए और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप यहाँ पर तब भी आएँ अपनी फैमिली के साथ और अच्छे से घूमें, इंजॉय करें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें।